जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए जर्नी में। दोस्तों आज का जो जर्नी होने वाला है आप लोग देख सकते हैं इस फाइटर प्लेट पे जो है ना, आज हम लोग वहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ से बैठ करके इसको जो है ना ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ से आज हम लोग जो है ना बैठने वाले हैं और इस प्लेन को जो है ना उड़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है ना वीडियो में पूरा बने रहिएगा, उसके बाद आप लोगों को जो पता चलने वाला है आखिर ये ऐसा फाइटर प्लेन जो है हमको कहाँ मिल गया और कहाँ देखने के लिए जो है किस प्रकार जो है यहाँ पे अभी रखा गया है। दोस्तों वैसे आप लोग जो है अगर कोई फिल्म में देखे होंगे फाइटर प्लेन को तो आप लोग को जो लगता होगा बहुत ही छोटा है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली में, देखिए यहाँ जो है ना पायलट के लिए बैठने के लिए जो जगह बनाया गया है, यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं शीशा का जो लगा होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसका जो है ना कितना ये बिग है, बहुत बड़ा है। हेलीकॉप्टर नहीं, ये फाइटर प्लेन है जो कि जो है ना वॉर में इस्तेमाल होता है। एयर से जो हमला किया जाता है दुश्मन से, यहाँ पर यही वो फाइटर प्लेन है। आप लोगों को जो है ना वर्धमान का नाम सुने हैं, अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान में लेकर के घुस गए, तो इसी टाइप का जो है मिग 20 था। उसके बाद इसका देखिए ये नंबर जो लिखा हो गया है C-16-72, ये जो इसका जो है नंबर है। एक्चुअली पता नहीं वो नंबर किस लिए जो दिया गया है। उसके बाद इसका जो है बॉम्ब रॉकेट सब जो रहता होगा, देखिए यहाँ पर जो है रहता है, जैसे इसको जो है ना ऑपरेट करने वाले पायलट होंगे उसको ट्रेनिंग मिलता होगा और कोई बटन के थ्रू किसी ऑपरेट करते होंगे। तो यहाँ देखते हैं कितना पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, नीचे से देखिए देखिए, तो यहीं से जो है ना कहीं बॉम्ब फिट करता होगा और जो है ना इसी बटन के थ्रू जो है इसको ऑपरेट करके जो है ना इसे मिसाइल को जो है दागता होगा। और आप लोग को जो है एक रडार देखिए, वहाँ पर जो आप लोग को पतला सा दिख रहा है वो रडार हो गया। इससे ये अनुमान लगता था कि दूसरा जो इसको जो हमला करने के लिए दूसरा फाइटर प्लेट दुश्मन का जो आता होगा ये कितना दूरी पे है और जो है ना किसका है और कहाँ से जो आ रहा है, वो क्या करना चाहता है एक्चुअली में, कहाँ का है, सब कुछ जो है ये रडार के थ्रू जो है पता चलता था। ये जो आप लोगों को ऊपर में लंबा सा दिखता है वो हो गया इसका रडार और पायलट के लिए जो है बैठने वाला ये। तो आप लोग को जो पहले हम बताए कि उसमें बैठने वाले हैं दोस्तों, ये मजाक ही था, उसमें जो हम लोग नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सिर्फ देखने के लिए जो है ना किस प्रकार से फाइटर प्लेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को इसके थ्रू जो आप देखिए देखने के लिए जो लगाया गया। एक्चुअली में ये है कहाँ आप लोगों को बता दूँ, ये अभी कर्नाटका में मैं हूँ और कर्नल मेमोरियल पार्क है और यहाँ पर जो है ना ये इसको जो है ना लगाया गया है देखने के लिए। देख रहे हैं कितना बिग है, यहाँ सामने से देख के जो है ना लगता होगा पूरा जो है ना बिग, और आप लोगों को वीडियो में जैसा भी लगता होगा लेकिन सामने से देखने में जो है पूरा बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको जो है ना डिजाइन किया गया, यहाँ पर जो रखा गया है। और फाइटर प्लेट हम भी अगर फिल्म में जो देखे थे तो हमको लगा था बहुत जो है ना छोटा होता है और जो है ना इसे सेना आसानी से जो है ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन देखने के बाद लगता है कि अगर इतना बड़ा जो है ये फाइटर प्लेट को जो है अकेला एक पायलट जो है ना कैसे उसको जो है ना चलाता होगा, देखते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ा है और जिस प्रकार से इसका देखिए कहीं डिजाइन बनाया गया है, उसके बाद जो है दो साइड से जो है ये टहनी क्या बोलते हैं उसको हमको पता नहीं, ये लगाया गया है। जिस प्रकार से फाइटर प्लेट होते हैं अकॉर्डिंग उसी प्रकार से जो इसका डिजाइन करके यहाँ पे जो है दिखाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को जो ये फाइटर प्लेट कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से इस पार्क में जो है देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मिलिट्री का जो ये फाइटर प्लेट, उसके बाद आप लोग जो उधर देख सकते हैं ये इस बीच में ये टैंक, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो मैं स्पेशल वीडियो दूंगा। अगर आप लोगों को ये फाइटर प्लेट के बारे में कुछ भी जानकारी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो कमेंट जो भी दर्शक या जो भी व्यूअर पढ़े तो उसको जो पता चल सके इस फाइटर प्लेट के बारे में। और इस फाइटर प्लेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं तो आप लोग जो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो को जो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है जिसको पता नहीं होगा कि कर्नाटका में जो है इतनी बड़ी पार्क में जो आप लोग को फाइटर प्लेट, उसके बाद जो है मिलिट्री का बहुत सा सामान, उसके बाद इसरो में किस प्रकार से रॉकेट लॉन्चिंग होता है, सब कुछ जो यहाँ पे आप लोगों को नेशनल मेमोरियल मिलिट्री मेमोरियल में जो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार आइए और यहाँ पे जो है मात्र 10 रुपये का टिकट दीजिए आप लोगों को गेट पे जो है जहाँ से आप लोग एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है 10 रुपया लेगा तो वहाँ से आप लोगों को एक टिकट मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पूरा पार्क का जो है विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो पार्क है चारों ओर का व्यू काफ़ी जो है ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना जो है उसके बाद हरियाली का जो है यहाँ पे कोई अंत नहीं है, कितनी ज़्यादा जो है हरियाली है आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरह जो है साफ़ सुथरा मिल जाएगा और देखने के लिए जो है आप लोग को फाइटर प्लेट, उसके बाद जो है ना रेल इंजन मिल जाएगा कोयला वाप इंजन वाला, उसके बाद मिलिट्री का जो है ना इसरो का जो है ना आप लोग को रॉकेट लॉन्चिंग जिस किस प्रकार से होता है वो मिल जाएगा, उसके बाद जो
मिलिट्री का क्या बोले उसका टैंक मिल जाएगा, जो पाकिस्तान और बॉर्डर सब फिल्म में जो यूज हुआ था वो सब जो टैंक मिल जाएगा। और आप लोग ये देख के क्या अनुमान लगाते हैं बॉर्डर फिल्म में जो ना जो सुनील शेट्टी नहीं वो जैकरी शराब जो यूज किए थे फाइटर प्लेट बस उसी की तरह जो ना लगा था। फर्स्ट बार जो ना बॉर्डर फिल्म में जो वो सुनील शेट्टी जो यूज किए थे उसी को जो हम देखे थे तो वो लगा था बहुत ही छोटा। और हकीकत में अगर यहाँ पे जो ये सिंबल को देख रहे हैं तो तब देख के मुझे पता चलता है कि फाइटर प्लेट जो कितना बड़ा होता है सेना का। तो दोस्तों आप लोग जो आखिरी में कमेंट जरूर कीजिएगा कि फाइटर प्लेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं और ये फाइटर प्लेट जो कितनी बड़ा होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट सफर में। तो